गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखेंगे। 25x25 मतलब हम लोग के एग्जाम में जो होगा 25 नंबर के प्रश्न आएंगे जनरल स्टडी से। एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पीछे के जो आप लोगों के हम वीडियो लिए थे, इंग्लिश के प्रश्न आप लोगों को कराए थे, जो हिंदी इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर कर पढ़ाए थे और बहुत अच्छे तरीका से वो क्लास में हम आप लोग को बताए थे, तो आप लोग के द्वारा बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। और जो नए साथी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो एसएससी प्ले एमटीएस प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप लोग उसको देखिए। क्योंकि ये जो वीडियो लिए हैं इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके सारे प्रश्नों को हम अच्छे तरीका से समझाए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्त मित्रों के पास इस चैनल को जो लिंक है इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे एसएससी एमटीएस के लिए जो इंग्लिश से हिंदी है। यहां पे अगर फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो पारित किया गया था 1998 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1998 में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था, समझ गए। अब लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के बारे में आप लोग को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा ये क्या होता है। तो लॉटरी विनिमय अधिनियम कानून जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 1988 का। ये जो है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय लॉटरी के संचालन के लिए बहुत व्यापक स्थिति माना जाता है, मानक स्थापित करता है। कौन सा? जो लॉटरी अधिनियम है, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो 1998 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये जो है लॉटरी एक जुआ माना जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये जो है लॉटरी को ये क्या मानता है? जुआ मानता है, तो ध्यान में रखिएगा। और जो सट्टेबाजी और जुआ जो है ये संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है या घुमा के पूछ सकता है कि जो लॉटरी अधिनियम है ये संविधान की कौन सी अनुसूची में इसको शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ओके। और ये जो विषय है किस सूची का विषय है, तो ध्यान में रखना होगा ये राज्य सूची का विषय है, ओके, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न। देखिए यहाँ पे भी कुछ बता दिए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतिविधियों पर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो लॉटरी सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति की है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और कुछ नए प्रैक्टिस सेट के भी अंतर्गत प्रश्न लिए हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे यहाँ पे, जो 26 जनवरी 1950 हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, ठीक है। अब आइए इसके बारे में ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होता क्या है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ में, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आज जान जाइए दोस्तों, जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ से लिया गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता रहे हैं। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, याद रखना होगा। जो सत्यमेव जयते लिखा गया है या किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखा गया। और ये भी आप लोग को बता देते हैं, जो हिंदी की लिपि होती है वह देवनागरी होती है और जो संस्कृत की लिपि है वह देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन होगी, समझ गए। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सत्य की सदैव जीत होती है, सत्य की सदैव जीत होती है। तो ये सारे चीज़ यहाँ से प्रश्न
आ सकते हैं। आप लोगों को हम एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से बता रहे हैं। शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, इस लाइक करना भूलिएगा मत। सत्यमेव जयते को पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। समझ गए। इसमें चार सिंह हैं, यहाँ पे जो चार जो शेर है, चार सिंह बने हुए हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ है सटाए हुए हैं, जो एक दूसरे की तरफ पीठ सटाए हुए हैं। इसके नीचे बात करेंगे तो हाथी हो जाएगा, घोड़ा होगा, सांड होगा और सिंह की आकृति देखने को मिलेगी। तो सभी पशुओं के बीच में एक एक चिन्ह बना हुआ है, सभी पशुओं के बीच में एक एक चिन्ह बना हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग को हम बता दिए, ध्यान में रखिएगा ये सारे चीज़ को। आगे चलते हम लोग प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, विद विच ऑफ द फ्लोइंग एसोसिएशंस वुड दी एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध रखिएगा, किस महासागर से आप उसको जोड़ सकते हैं रिंग ऑफ फायर को। तो रिंग ऑफ फायर को हम प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन है, उससे हम इसको जोड़ सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे रिंग ऑफ फायर को तो ध्यान से समझिएगा। रिंग ऑफ फायर जो है ये 450 से अधिक निष्क्रिय ज्वालामुखियों के, पृथ्वी के कुल ज्वालामुखियों का 75% का घर माना गया है। ध्यान में रखना होगा दोस्तों, जो रिंग ऑफ फायर है ये 450 से अधिक निष्क्रिय ज्वालामुखियों के, पृथ्वी के कुल ज्वालामुखी का 75% का घर माना गया है। ये जो है प्रशांत महासागर के रिंग के चारों ओर अर्धवृत्त या घोड़े की नाल बनाते हैं। जो रिंग ऑफ फायर है ये प्रशांत महासागर के रिंग के चारों ओर अर्धवृत्त या घोड़े की नाल बनाते हैं। इसका विस्तार की बात करेंगे तो प्रशांत जुआन डे फुका का कोकोस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नजाका उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेटलेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ है। कौन सा? तो रिंग ऑफ फायर। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न। हम लोग आते हैं फोर प्रश्न पे। यहाँ पे जो फोर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रामसर कन्वर्सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ल्ड वेटलेस डे, यहाँ पे कह रहा है कि रामसर कनेक्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है रामसर कनेक्शन के अनुसार। देख सकते हैं यह प्रश्न कैसे पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया हुआ है। रामसर कनेक्शन के अनुसार जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कैसे घुमा के प्रश्न को पूछा गया है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे 2 फरवरी कब मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर में रामसर में आर्द्र भूमि पर कनेक्शन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। आर्द्र भूमि पर कनेक्शन को अपनाने की तारीख को क्या करता है, चिन्हित करता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, माइंड में सेट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न देखेंगे जो 5 प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स डिफीटेड मुहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेटिन इन 1091 AD। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गोरी को हराया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है। तो अगर बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पृथ्वीराज चौहान। थोड़ा सा साथियों हमारा वीक जो इंग्लिश है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ही है, अगर थोड़ा सा इसमें त्रुटि होती है तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी होंगे, क्षमा चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ध्यान में रखना होगा पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में आप लोग को ध्यान से समझाते हैं। अब भटिंडा के किले को लेकर, याद रखिएगा भटिंडा के किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 में। उस युद्ध का क्या नाम था? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मुहम्मद गौरी की विजय होती है। आप लोगों को समझ में आ गया किसके लिए युद्ध हुआ था दोस्तों? तो भंडिका के किले को लेकर युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच। यह
देखिए प्रश्न कैसे आ सकता है या आप लोग से पूछा जा सकता है कि जो भंडिका के किले के लेकर ये युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये भी प्रश्न आप लोग को याद रखना होगा, या दोस्त मित्र कोई भी पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1191 में हुआ था, किसके बीच हुआ था साथियों, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, उस जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। ओके, इतना बता दीजिएगा। इतना बताने के बाद एक बात और बता दीजिएगा कि ये दोनों जो शासक हैं युद्ध लड़े थे, किसके लिए युद्ध लड़े थे तो भंडिका के किले के लिए, किसके लिए तो भटिंडा के किले के लिए ये युद्ध लड़े थे। ओके, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 नंबर अगर प्रश्न की बात करेंगे, जो यहाँ पे ट्राइब ऑफ द निकोबार आइसलैंड पे देयर द डिपार्टेड सोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द निकोबार जो द्वीप समूह की जनजातिया के दौरान परिवार की मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये कौन सी महोत्सव होता है या पूजा होता है जो श्रद्धांजलि समर्पित करता है, तो वह याद रखना होगा आप लोग को, आसवरी उत्सव। ठीक है, कौन सा, तो आसवरी उत्सव। यहाँ पे देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका निकोबार नृत्य एक मंत्र मुग्ध करने वाली आदिवासी परिपत्र नृत्य है, मतलब आदिवासी जो लोग रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ को अपनाते हैं। यह ज़्यादातर आसवरी उत्सव या सुअर महोत्सव के दौरान कार निकोबार द्वीप पर घरों के आसपास आयोजित किया जाता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी लोग रहते हैं तो वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, आसवरी उत्सव या सुअर महोत्सव मनाया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, सुअर महोत्सव आप लोग सुने होंगे, नया नाम सुने होंगे कि भैया सुअर महोत्सव होता क्या है। ठीक है, तो याद रखना होगा निकोबार द्वीप समूह में ये घरों के आसपास जो है ये आयोजित किया जाता है महोत्सव को, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, नृत्य होता है, मंत्रमुग्ध होकर आदिवासी जो है वहाँ पे नाचते हैं। ओके, यह नृत्य जो है घर के दिवंगत मृतक मुखिया को समर्पित करता है। ये प्रश्न आ सकता है, जो याद रखना होगा जो सुअर महोत्सव होता है ये निकोबार द्वीप समूह में होता है, और ये जो नृत्य है कौन सा नृत्य है जो आप लोग को बताएं, निकोबार में जो नृत्य होता है इसमें क्या होता है, मुखिया को समर्पित किया जाता है, मृतक जो मुखिया होता है उसको समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे, जो 7 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(1) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 51(1) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की ओर देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे जो 86वीं संशोधन अधिनियम 2002 है जिसमें 51(1) के तहत एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोगों को समझा देते हैं, आ जाएगा अच्छे तरीका से समझ में। यहाँ पे जो 86वें संविधान संशोधन है ये अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के आर्टिकल मतलब 51(a) में संशोधन करके 3 के बाद नया अनुच्छेद K को जोड़ा गया है। जब संशोधन किया गया 3 के बाद तो उसमें नया अनुच्छेद को जोड़ दिया गया, K को जोड़ा गया, और इसमें ये चीज़ बात को जिक्र किया गया, बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों के माता पिता या अभिभावक अपने संरक्षण को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ये अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, ये अवसर को पा सकते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर की बात किया है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा इसमें से है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जो हो जाएगा ये जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। अप्रत्यक्ष कर जो है एक प्रकार का कर होता है, अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है साथियों, यह सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से असूला जाता है। सीधे जो सरकार है इसको हस्तांतरित नहीं करती है, सीधे जो सरकार है ये जो कर है इस पर हस्तांतरित नहीं करती है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है, वस्तु कर आता है, सेवा कराता है, बिक्री कराता है और मनोरंजन कराता है। इसे ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से
प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं। दो तरह के कर होते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर में आप लोग ध्यान में रखना होगा, वस्तु कर जो विनिमय होता है, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ओके, वस्तु और सेवा कर जो अधिनियम है 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था, जो अप्रत्यक्ष कर हैं जिसमें से आता है वस्तु और सेवा कर, इसको संसद में ये कब लागू किया गया था, पारित किया गया था अधिनियम को, तो 29 मार्च 2017 को, और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जरूर माइंड में जरूर सेव करके रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 9 जो प्रश्न है देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित या राज्य है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा, बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार। अब यहाँ पे देखिए 2021 के दौरान कौन कौन से राज्य में चुनाव हुआ है या केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें शामिल होंगे। तो 2001 में देश के जो कुल 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, तो इसमें राज्य भी शामिल हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, लेकिन बिहार में 2021 के दौरान कोई भी चुनाव नहीं हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 10 देखेंगे, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोग को हम समझाते चल रहे हैं। 10 यहाँ पे जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, जो पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका कम से कम स्थिरीकरण करना चाह रहा है, तो शैवालों द्वारा प्रकाश के संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, मतलब कितना प्रतिशत किया जाता है, ये कितना तिहाई, तो आधा, सबसे आधा होता है दोस्तों, कितना होता है, सबसे ज़्यादा आधा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जीवित जीवों द्वारा अजैविक कार्बन का जो जैविक कार्बन में परिवर्तन, मतलब देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो जीवित जीव हैं, जो जिंदा जीव हैं, उनका जो अजैविक कार्बन का जैविक कार्बन, देख सकते हैं अजैविक और जैविक कार्बन परिवर्तन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे जो पृथ्वी पर शैवालों द्वारा होने वाला जो प्रकाश संश्लेषण है, ये पूर्ण, मतलब पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण को कम से कम आधा हिस्सा है, कम से कम आधा हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 11 प्रश्न पे। 11 प्रश्न यहाँ पे है, पहले ब्लैंक्स दे दिया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, क्या चीज़ जो है ये प्रदूषण की तीव्रता को कम कर रहा है, समाप्त कर रहा है, तो यहाँ पे जो उपशमन हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, उपशमन। अब उपशमन के बारे में समझ लीजिए, उपशमन जो है दोस्तों प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना, मतलब नियंत्रण रखता है, क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, उपशमन, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये उपशमन जो है प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करता है और उसको समाप्त करता है, ये ध्यान में रखना होगा, नियंत्रण नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पे आगे बात करेंगे, जो प्राकृतिक संसाधनों की जो उपयोगिता है, सुधार उसमें लाना, अच्छा बनाना उसको, और प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करने के तरीके के उदाहरण है। तो उपशमन जो होता है ये जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं हमारे देश में, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी तीव्रता को कम करता है या उसको समाप्त करता है, उपशमन, ठीक है, समझ में आ गया। प्रदूषण कारकों को पूरी तरह से पता होने के बाद भी प्रदूषण उपशमन रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न जो 12 प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो आईसीएल 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एटीके मोहन बगान के थे, एटीके मोहन बगान के फुटबॉल टीम के कोच थे। तो 2020-21 के प्रश्न है, तो इसको हम लोग को विस्तार से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न जो 13 प्रश्न है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है, पहले कह रहा है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा, ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्त जो है ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, ठीक है। ताम्रलिप्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सा है। ताम्रलिप्ति जो है ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक प्राचीन बंदरगाह है, अभी भी बंदरगाह है, ये तो प्राचीन है,
लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कुछ कुछ देखने को हिस्सा मिलता है। ताम्रलिप्ति प्राचीन समय में दक्षिण और दक्षिण पूर्व के लिए मौर्य व्यापार मार्ग का निकास बिंदु है। मतलब जो प्राचीन समय में ये जो विकास होता था यहाँ पे, ये मौर्य व्यापार मार्ग, मतलब ये मार्ग था, यहाँ से जो मौर्य व्यापार करते थे जाकर, ये निकास बिंदु थे, यहाँ से जाते थे। यह जो है रूप नारायण नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। जो बंगाल की खाड़ी और रूप नारायण नदी के संगम पर स्थित है, क्या चीज स्थित है दोस्तों, तो ताम्रलिप्ति। यह प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसका वर्णन की बात करेंगे तो मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, भारत के नाट्य शास्त्र, वारहमिहार और बृहत संहिता में मिलता है, ध्यान में रखना होगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, जो 14 प्रश्न है, इसको भी ध्यान से नहीं देखेंगे उतना, क्योंकि 2021 से 22 की बात किया है। केंद्रीय बजट 2021 से 22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आ सकता है प्रश्न, तो 137% है। कितना? 137% है। इसको हम लोग ध्यान से नहीं समझेंगे क्योंकि उस समय 2021 से 22 की बात किया है पिछले वर्ष की तुलना से। जो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन 137% किया गया है, वृद्धि किया गया है, उस समय जो केंद्रीय मंत्री थे वह कौन थे, वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री कौन थे, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग, जो 15 प्रश्न है, अच्छा सा है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, तो धौलागिरी को, धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसको व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ध्यान से रखिएगा। यहाँ प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को, समझा रहे हैं, जो धौलागिरी चोटी है इसको श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, हिमालय की उपश्रृंखला है दोस्तों, और जो पश्चिम में भेरी नदी, याद रखना होगा भेरी नदी, और पूर्व में कालीकंडकी नदी के बीच में है। ये जो धौलागिरी चोटी है, ये भेरी नदी और पूर्व में जो कालीकंडकी नदी है, इसके बीच में स्थित है। विश्व का सातवां सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है धौलागिरी पर्वत को, और ये कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, जो 16 प्रश्न है, यहाँ पे 16 प्रश्न कह रहा है प्रश्न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसी पांडुचेरी के छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, किस वर्ष, तो 1600 होगा, ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा 1761, क्योंकि 1600 में तो ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो 1761 यहाँ पे हम लोग सही करेंगे, देख लीजिएगा, बताए हैं यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी भी है, जो 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का इसको अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 1600 के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो आप लोग इस जो भी आप लोग को प्रश्न कराए हैं आज की वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, समझाएं भी हैं आप लोग को, तो कैसा लगेगा आज की वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोग का सहयोग हम लोग को आभार बनाता है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।